अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे यूनियन पब्लिक स्कूल की तरफ से आज जो बच्चों को जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, किताबें बांटी जाती है, जिसमें सब सीबीएसई बोर्ड के हैं। जैसे देख सकते हैं कि इंग्लिश बुक है ये, इसमें हिंदी भी है और मैथ्स भी है, इसका इन्वायरमेंट है, इसका कमर्शन की बुक भी है। इसी तरीके से हर एक क्लास के लिए हम लोगों ने एक सेट बनाए हैं और सब सीबीएसई बोर्ड के हैं। उसके साथ उर्दू किताब भी दी जाती है, बंगला कंपलसरी है। जैसे आप देख सकते हैं कि सब बंगला जो है हर एक सेट के साथ आपको बंगला मिलेंगे, बंगला यहाँ जो है ना कंपलसरी है। ये चीज़ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने काम किया है कि हमारे बच्चे जो है किसी भी जगह लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम आए। इसमें सब हिंदी, उर्दू, बंगला, इंग्लिश, ये चार लैंग्वेज को हम लोगों ने कंपलसरी रखा और साथ ही साथ दुनियात का भी तालीम दिया। इंशाल्लाह अगर सपोर्ट मिला तो उसका भी इंतजाम किया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन पब्लिक स्कूल है, इसका कोई पॉइंट से लिखा हुआ है। ये बहुत दिन से ये बात चल रही है कि इंडियन पब्लिक स्कूल है कहाँ, तो ये ग्वालपुर रतन चौक में जो है, उसके चौक के पूर्व साइड में ये स्कूल अभी कायम किया गया है, जो इसमें एक दो मंजिला बिल्डिंग है और इसमें अंडरग्राउंड में जो है हम लोग इस स्कूल को चला रहे हैं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि ऐसे बच्चों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को पढ़ने का बहुत जोश है। अगर थोड़ा सा अपर लेवल से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो ऐसे बच्चों को हम लोग उनके मकाम तक पहुँचा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिनांस की वजह से पढ़ नहीं पाते या सीबीएसई बोर्ड में बच्चे पढ़ने से महरूम रह जाते हैं। कारण यही होता है कि उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिनांस का। बच्चे पढ़ने लिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो होता है ना पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारे कमेटी जो है ग्वालपुर एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, इन्होंने एक कदम उठाए हैं कि हम लोग ऐसे तमाम बच्चों को जो पैसे की वजह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे तमाम बच्चों को इंशाल्लाह ताला हम लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। उनके लिए एक बड़ा उठा है कि हम लोगों ने एक स्कूल खोला है जिसका नाम है यूनियन पब्लिक स्कूल। ये स्कूल जो है उन तमाम यतीम गरीब गुरबा बच्चों के लिए हम लोग फैसिलिटीज दिए हैं और उसमें अभी फिलहाल जो है क्लासरूम अवेलेबल है, लेकिन क्लासरूम में जो है बोर्ड जो है वो भी हम लोग दूसरे से लेकर के चलाते हैं। अभी वो कुछ डोनेशन में नहीं आया है, ऑफिस रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है, तो इस ये सारा इंतजाम हम लोग का ज़रूरी है कि बच्चे के बैठने की भी बहुत प्रॉब्लम है, उसे बेंचेस नहीं मिल पा रहा और उनमें हमारे मसीह जमा सर जो है वो अपना पाँच पीयर्स ये डोनेशन किए हैं, माशाल्लाह उसमें बच्चे आराम से बैठ रहे हैं। इसमें एक और फैसिलिटीज़ है कि जो बच्चे पढ़ाई की वजह से अगर यहाँ पढ़ना चाहे तो पेड मोड भी अवेलेबल है और बहुत ही मिनिमम में, क्योंकि हम लोग मकसद है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे कि हम मेरे बच्चे पढ़ाई वहाँ अच्छी होती है, हम अपने बच्चों को भी पढ़ाने के विश रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं ऐसी जगह में, तो वो एक मिनिमम इसमें आप अपने बच्चों को ला करके यहाँ पढ़ा सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटीज हम लोगों ने रखी है। तो मेन मकसद हम लोग का है कि हमारे इलाके से जितने भी यतीम गरीब बच्चे आना चाहते हैं वो आकर के यहाँ पढ़ाई करें, ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। आज जैसे देख सकते हैं उसमें उन लोगों के लिए कॉपियाँ भी अवेलेबल है, जैसे ये हिंदी की कॉपी, उर्दू की कॉपी अवेलेबल है, उसके बाद मैथ्स की भी कॉपी अवेलेबल है, यहाँ इंग्लिश की भी कॉपी यहाँ अवेलेबल है। मतलब हर चीज़ जो है इन लोगों को एक अवेलेबल दी जाती है, हर तरीके का। तो ये फैसिलिटी जहाँ बंगला उर्दू हिंदी बता ही दिया आप लोगों को, और सब सीबीएसई पैटर्न का है, उसमें से टेबल कॉपी भी है जैसे आप देख सकते हैं, ये चीज़ है। और साथ साथ हम लोगों ने ड्राइंग की भी ड्राइंग रखे हैं, जैसे बच्चे का देख सकते हैं ड्राइंग है, हर बच्चे के लिए ड्राइंग कंपलसरी है। और साथ साथ जो है हमारे कैमरा के पीछे अभी उसका हम लोग लैब नहीं बनाए हैं, वो कंप्यूटर सेंटर भी बच्चों के लिए अवेलेबल इंशाल्लाह बहुत जल्द कर देंगे। हमारे कमेटी वालों ने एक कंप्यूटर सेट जो है वो यूनियन पब्लिक स्कूल को डोनेट किए हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हमारे इलाके से ये तमाम बच्चे जो पढ़ाई के ख्वाहिशमंद है, किसी कारण की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चों की हम सब मिलकर सपोर्ट करें। एक प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने निकाला था, एक यहाँ हम लोग एक बैनर है जिसे दिखाइए, तो यह एवरी वन टीच वन। हम सब जानते हैं कि हम सबको तो नहीं पढ़ा सकते, सब मिलकर एक को जरूर पढ़ा सकते हैं। ये दिखाने का मकसद मेरा इतना सा है कि जब तक दिखेंगे नहीं तब तक लोग समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो फिर हमारे यहाँ तक लोग पहुँचेंगे कैसे। अभी तक बहुत लोगों को पता नहीं है कि यूनियन पब्लिक स्कूल कहाँ है, तो फिर मैं तो बताना चाहूँगा ये लोधन चौक, ग्वालपोखर, उत्तर दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल में कायम किया गया है।
आप तमाम हजार से गुजारिश है कि इन वीडियो को ज्यादा से शेयर भी करें, अपने इलाके के बच्चों को एजुकेशन से महरूम ना रखें। अगर बच्चे हमारे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो तब हमारे समाज नहीं तरक्की कर सकते, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं वो नहीं बदल सकती है। हम लोग सिर्फ एक ही हथियार हमारे पास, वो है एजुकेशन। एजुकेशन के जरिए ही हमारे समाज की बुराई को हम लोग दूर कर सकते हैं। हमारे समाज, हमारी सोसाइटी जो आज दिन ब दिन दलदल में फंसते जा रहे हैं बुराइयों की, इस चीज से दूर करने का एक ही रास्ता है कि हम बच्चों को तालीम दें। आज लड़कियों को तालीम नहीं देंगे तो लड़कियां सही गलत का फैसला नहीं कर पाएगी, लड़कों को तालीम नहीं देंगे तो लड़के आज देखिए दिन ब दिन क्या होते जा रहा है। इन चीजों को रोकना है तो एक रास्ता मुझे समझ में आया, वो समझ में आया मुझे पढ़ाई, एजुकेशन। तो मैंने इसी रास्ते को लेकर निकल पड़ा है। आप तमामों से मेरी मोदीबाना गुजारिश है, हर्टली रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे बच्चों की मदद करें, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं। बच्चों को सिटिंग के जैसे बैठने के लिए उन लोगों का बेंचेस वगैरह दे सकते हैं, चेयर दे सकते हैं, जैसे हम लोग ऑफिस में मदद कर सकते हैं। बच्चों की किताब कलम रखने के लिए हम लोग पास कोई अलमीरा वगैरह नहीं, उसके लिए भी मदद कर सकते हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, उसके लिए मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर सेट में अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप मदद कर सकते हैं। आप एसेट को देकर मदद कीजिए, आपको पैसे की देने की जरूरत नहीं है, आप बच्चों की जरूरत को पूरी कीजिए। इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे छोटे बच्चे जैसे देख सकते हैं, लोग बहुत पढ़ाई में एक्टिव है। हम लोगों ने इनको पढ़ाया, एक साल तो बंद कमरे में रहे, आज हम लोगों ने इस चीज को जाहिर करने की बारे में सोचे ताकि इन बच्चों को और थोड़ा मदद मिले। हमारी कमेटी बहुत मदद कर रही है, ग्वाल पोखर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने ये काम जो थमा है माशाल्लाह ये बहुत आगे तक इंशाल्लाह जाएगा। और आप लोग की दुआ की दरख्वास्त है और मदद की भी दरख्वास्त है। शुक्रिया, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, चलो इधर से निकलो, इधर से खुशबू से जाने दो उसको जी, बस वो रहने दीजिए उधर से, तब तक खुशबू खुशबू कर दीजिए। तब तक सुहाना अभी ग्रीन में दी जाए, पढ़ो ना बढ़िया से। हाँ बढ़िया से पढ़ो, आज नई किताब मिल गई, ठीक आराम से, बहुत खुशी की बात है। इसराफी आप लोगों की बहुत मेहनत है, यहाँ योगदान है, मैं चाहूंगा कि आप लोग सामने आए, बहुत जबरदस्त। अफरान सेट क्या हुआ, माशाल्लाह चलिए बहुत जबरदस्त है। प्रतिज्ञा के लिए जोरदार ताली। राजा बहुत मेहनत कर रहे हैं।
ठीक है, आप लोग थोड़ा सा आराम से निकले।